सब्सक्राइब कीजिए टेलरिंग इन हिंदी चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी एक प्लेट का ब्लाउज जिसको हम बॉडी कट कहते हैं। ये हमारा नाप है। सबसे पहले हम इसकी चेस्ट का नाप लेंगे। इसको अच्छी तरीके से रख के यहाँ से इसकी चेस्ट है वो 19.5 है। इसका पीछे का पल्ला वो 13 इंच का है। बारह इंच इसके शोल्डर है। ये हमारा अस्तल है। तो यहाँ से हम पहले इसका पीछे का पल्ला निकालेंगे। 14 इंच लेंगे लंबाई में। 13 इंच है तो हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे। अब हम यहाँ से इसके शोल्डर लेंगे 6 इंच के। 6 इंच के हम आरुमल मिस चेस्ट है तो हम 10.5 पे निशान लगाएंगे। 2 इंच की हम गले की चौड़ाई लेंगे। आप 2.5 इंच की लेना चाहें तो 2.5 इंच की भी ले सकते हैं। हम इसकी 2 इंच की लेंगे। अब हम इसका गला है इसका 9 इंच का। यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे 9 इंच पे। अब हम इसमें एक गोल शेप देंगे। ये हमारा पीछे का पल्ला कट गया। यहाँ से हम चोली निकालेंगे। तो पहले हम चोली को अखबार पे काटेंगे। यहाँ से हम चोली का नाप लेंगे। चोली की जो चौड़ाई है वो 6 इंच की है। लंबाई है वो 7 इंच की है। यहाँ से कुन्नी में से हम चोली निकालेंगे इस तरीके से। तो ये चोली तिरछी हो जाती है। तो हम 7 इंच की चौड़ाई लेंगे। 7.5 लंबाई, 7 इंच हमने यहाँ से लिया है। 4 इंच की हम यहाँ पे पट्टी लेंगे। ये हमने कुंडी से निकाली है तो हम इसमें इस तरीके से गोलाई देंगे। चोली को कुंडी से ही निकालनी चाहिए अखबार पे। पहले आप अखबार पे काटें अच्छे तरीके से। अब हम बगली का तीरा निकालेंगे। ये बगली का तीरा है वो 4 इंच की चौड़ाई है और यहाँ पे 4 इंच गले पे। यहाँ से 4.5 लेंगे हम। 2 इंच हम यहाँ से लेंगे गले के लिए। छह इंच हम आरुमल के लिए लेंगे। यहाँ से हम शोल्डर रखेंगे 3 इंच के। अब 1-1 इंच हम यहाँ पे गेप दे देंगे इस तरीके से। आप चाहें तो इसको भी रख सकते हैं। इसको रख के भी काट सकते हैं। यहाँ से हम इस तरीके से रखते हैं। अब हम इसकी चौड़ाई 4 इंच की है तो हम यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ से बगली से ये हमारे आरुमल है यहाँ से तीरा लगाए तो हम ये चीज नापेंगे 5 इंच पे। तीरा लगा है नीचे की साइड तो यहाँ से हम 5.5 रखेंगे। तो ये हमने बगली का तीरा निकाल लिया। अब हमने पीछे का पल्ला निकाला था तो ये हमारी गोलाई आई थी। तो इसी गोलाई पे हमें चोली को रखना है इस तरीके से। अच्छी तरीके से आप रख लें जिससे हमारा तीरा भी निकल जाए।
हमने नीचे से भी नाप ले लिया। अब हम इसका नीचे का तीरा निकालेंगे 10 इंच का, यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब हम इसके तीरे की लंबाई देखेंगे, इसका तीरा कितना चौड़ा है। इसके तीरे की चौड़ाई है 3 इंच, यहाँ से 2.5 इंच है। तो यहाँ पे हम 3.5 लगाएंगे निशान पे, क्योंकि गुंजाइश में जाएगा। और यहाँ से हम 3 इंच लेंगे। अब हम ये तीरे को इस तरीके से मिला देंगे। अब हम ये बगली का तीरा निकालेंगे, इसको भी हमें सेट करना है कि किस तरीके से रखें, कपड़ा भी कम लगे, हमारी सारी चीजें इसी में से निकल जाए। और हमें बंगली का तीरा निकालेंगे। हमारा बंगली का तीरा हो गया। ये हमारी, ये हमने अखबार पर कटिंग की है। इसको आप छोटी छोटी बनाना चाहते हैं तो यहाँ से छोटी भी कर सकते हैं इसको। इसी तरीके से तीरा को भी आप छोटा करना चाहें, जैसे चेस्ट कम है तो इस तरीके से आप इसमें इस तरीके से छोटा भी हो सकता है। 32 चेस्ट है, मगर आपको आरुमल से यहाँ से इसमें कटिंग करनी पड़ेगी। अब हम बाजू निकालेंगे। तो हमने ये कपड़े को डबल किया है। इसकी बाजू है, इसकी बाजू की लंबाई है वो है 3.5, तो हम 4 इंच लेंगे। अब हमने ये अस्तर काटा है, अब हम कपड़े को काटेंगे। इसकी लेस को पहले हम हटा देंगे, लेस को हम आधा आधा करके लगाएंगे दोनों बाजुओं पे। कपड़े को पहले हमें डबल करना है अच्छी तरीके से। अब हम पहले पीछे का पल्ला रखेंगे। अस्तर से हमें आधा आधा इंच ज्यादा काटना है। कपड़े को हमने ज्यादा काटा है क्योंकि जब हम इस पर सिलाई लगाएंगे बाद में हम इसको काटेंगे। अब हम गंदी का तीरा निकालेंगे। दोनों तीरों को हमने निकाल लिया। ये कपड़ा हमारा डबल है, तो यहाँ पे हम ये बाजू को रखेंगे क्योंकि इस तरीके से तो बाजू निकल नहीं सकती है, तो हमें इस तरीके से यहाँ पे रखें। बाजू का भी कपड़ा हमें 1/2 इंच ज्यादा काटना है क्योंकि सिलाई लगाएंगे। अब इसमें से हम नीचे का तीरा निकालेंगे। हमारा नीचे का तीरा हो गया, एक कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से हम गले की पट्टी निकालेंगे। इस तरीके से कपड़े को तिरछा करना है पहले। डेढ़ इंच की चौड़ाई है, हमने पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच की ली है। अब हमें इसमें ध्यान देना है, ये हमारे तीरे हैं बगली के, तो इसको हमें इस तरीके से रखना है दोनों तीरों को। ये हमारा सीधा है, जो हमारा सीधा है यहाँ से गोलाई गई है, तो हमें ये सीधे इस तरीके से रखेंगे दोनों, क्योंकि इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है एक जैसे ना हो जाए। तो इसको इस तरीके से रखें,
फिर हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। फिर बाद में जो एक्स्ट्रा कफा है उसको हम काट लें। इसी तरीके से हमें चोली पे ध्यान देना है। जैसे ये हमारा गला है तो इस पे हम निशान लगा लें, अगर आप नए हैं तो आप इस पे निशान लगा लें गले पे। और इसको भी हमें इस तरीके से रखना है, दोनों को, चोली को हम नीचे रखेंगे इस तरीके से, हमने कपड़े को नीचे रखा और यहाँ से सिलाई लगाना, चारों तरफ सिलाई लगानी है। बाकी जो कपड़ा है एक्स्ट्रा इसको हम काटेंगे, फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। अब हमने इस पे सिलाई लगा ली है अच्छी तरीके से, ये हमारी चोली है, ये तीरे हैं, तीरों पे भी हमने सिलाई लगा ली है सारे पे, अस्तर को इसमें ऊपर रख के। अब हमारा जो कपड़ा आगे है उसको हम काट लें, ये तीरों पे भी नीचे के तीरे हैं। अब हम इसको इस तरीके से डबल करेंगे और इसमें यहाँ पे प्लेट डालेंगे। प्लेट हम 1.5 इंच पे डाल रहे हैं, 1.5 इंच की चौड़ाई और इसकी लंबाई होगी वो होगी 2.5 इंच की, 2.5 इंच की लंबाई है, 1.5 इंच की चौड़ाई है। हमें इस तरीके से प्लेट डालनी है, इस तरीके से हो जाए हमारी चोटी। इसको भी हमें डबल करना है, यहाँ से इस पे निशान लगा लें दूसरी चोली को, उसे हमें शेप में डालना है। ये इस तरीके से हो जाए, दोनों चोलियों में हमारी प्लेट डल गई है। अब हम यहाँ से ये हमारी कटिंग है चोली की, यहाँ से हम ये चोली को लगाएंगे। दूसरी चोली को हम यहाँ से लगाएंगे नीचे की साइड से। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, ये अंदर का कपड़ा हमारा दबना चाहिए। हम तीरा लगाएंगे तो ये प्लेट को हमें इस तरीके से नहीं दबानी है, वरना हमारी ये प्लेट इस तरीके से हो जाएगी। हमें प्लेट को यहाँ से इस तरीके से थोड़ा सा दबाना है और बाकी हम अंदर की साइड ही दबाएंगे। और यहाँ से सिलाई में हम थोड़ी सी 1/2 इंच दबाएंगे प्लेट को। अब हमारा ये तीरा है जो चौड़ाई में ज्यादा है वो हमें यहाँ से लगाना है गले पे से। दोनों तीरों को हमें यहाँ से लगाना है आगे की लंब से। और हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तीरे का इसको हम काटेंगे। हमारा ये गले का कपड़ा है इसमें से पट्टी निकालेंगे 2 इंच की चौड़ाई पे, इसमें हम पट्टी लगाएंगे और अंदर की साइड दबाएंगे जिसमें हम काज बनाएंगे।
इसको हम अंदर के साथ तरीके से दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। अब हमारा जो गला था इसको हम डबल करेंगे, उसको हम आगे के लिए पट्टी बनाएंगे। डबल कपड़े की पट्टी लगा रहे हैं। फिर हम ये पट्टी को अंदर के साइड दबा के तरीके से सिलाई लगाएंगे। आगे की पट्टी हमारी 1.5 इंच की चौड़ाई में होनी चाहिए। अब हम दोनों को इस तरीके से मिला लेंगे, बराबर है दोनों पट्टी हमारी। अब हम गले को नापेंगे कि हमें गला और पट्टी को, ये पट्टी को हमें इस तरीके से यहाँ से नापना है और गले को हमें इस तरीके से नापना है। अगर हमारा गला छोटा या बड़ा है तो, बड़ा है तो हम ऊपर से काट लेंगे, छोटा है तो हम यहाँ से और इसमें गोलाई दे लेंगे। हम इसको रख के हम दूसरा वाला काटेंगे। अब हमारा ये पीछे का पल्ला है तो हमने इस पे भी अंदर ग्राउंड सिलाई लगा के इसको भी अच्छी तरीके से सिलाई लगा के पैक कर लिया है। अब यहाँ से हम इसको जोड़ेंगे आगे के पल्ला में इस तरीके से। यहाँ से हमें पीछे के पल्लर में आगे के पल्लर को तरीके से देख लें, बराबर है। अगर आपका आगे का पल्लर ज्यादा है तो आप यहाँ से सिलाई लगा सकते हैं। बाजू को भी हमने अच्छे तरीके से सिलाई लगा के पैक कर लिया है। हम बाजू को लगाएंगे। अब हमारा ये ऊपर का शोल्डर है, यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। अब हमारा ये निशान लगा हुआ है, यहाँ से हम ये ग्लास को लगाएंगे। ये हमारे दोनों लेस लग गए। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। पहले हम एक सीधी सिलाई लगाएंगे। अब हम पीछे की प्लेट डालेंगे। पहले यहाँ गले से हमें 4 इंच पे प्लेट डालनी है तो हम 4.5 पे निशान लगाएंगे। आधा आधा इंच की हम दोनों साइड से प्लेटें कपड़ा लेंगे तो 4 इंच पे हो जाएंगे। 3 इंच की लंबाई लेनी है
अब हम यहाँ से अब हम इसकी कमर नापेंगे कि कितनी कमर है, उसी के हिसाब से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। अब कमर की तो हमारी फिटिंग सही है, अब हमें चेस्ट की फिटिंग करनी है। ये हमारी पट्टी है और इसमें भी एक पट्टी लगी हुई है। अब हम यहाँ से एक पट्टी को इस तरीके से नापेंगे, इतनी हमें सिलाई लगानी है, उतना हम यहाँ पे निशान लगा लें। बाजू को भी हमें उल्टा करके यहाँ पे भी निशान लगा लें। अब हम ये निशानों को इस तरीके से मिला देंगे, इतनी हमें फिटिंग करनी है, कमर पे हमें सिलाई नहीं लगानी है। इसी तरीके से हम दूसरी बाजू पे भी फिटिंग करेंगे, तो इसी के नाप की हमें फिटिंग करनी है। हम इसको सीधा करके गले पे पाइपिंग लगाएंगे। अब हम सीधे के लंग से पाइपिंग को रखेंगे आधा आधा इंच सिलाई में लेते हुए। अब हम अंदर की तरफ पाइपिंग को दबाएंगे और ये हमारा जो गले का कपड़ा है इसको हमें अंदर की साइड ही दबाते हुए सिलाई लगानी है, पाइपिंग के अंदर ही दबना चाहिए। ये सिलाई लगाने के बाद हम पाइपिंग बनाएंगे। अब हम ये पाइपिंग का कपड़ा जो ज्यादा है अंदर की साइड इसको काटेंगे। ये हमारा अंदर का कपड़ा दबा हुआ है। अब हमें जितनी पतली पाइपिंग बनानी चाहते हैं उतना ही हम ये कपड़े को दबाते जाएं और पाइपिंग के नीचे सिलाई लगाते थे पाइपिंग बनाएंगे। हमारी पाइपिंग भी लग गई, तो बन गया हमारा एक प्लेट का बॉडी कट ब्लाउज। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।